पे 100 किलोमीटर की एक झील बन चुकी है लाड़काना से लेके दादू के इस इलाके तक। और ये 100 किलोमीटर की झील में आज हम यहाँ पे मुख्तलिफ ना सिर्फ इमदादी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए राशन का इंतजाम कर रहे हैं और उनको बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। और ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे इदारे ये काम कर रहे हैं, लेकिन तादाद इतनी ज़्यादा है, ये सैलाब का वॉल्यूम जो है तो इस कदर ज़्यादा है। मैं 35 साल से सैलाब और डिज़ास्टर में काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक 2010 का जो फ्लड था उसमें इतना पानी नहीं देखा था, हम सैलाब में हर जगह मौजूद थे, लेकिन ये पानी का जो मकदार है, ये वॉल्यूम है, ये कभी नहीं देखा गया। सवाल ये है कि ये पानी ड्रेन क्यों नहीं हो सकता, हमारे वो ड्रेन नाले वो क्यों बेबस हो गया है, वो क्यों कारामंद ना हुए, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम सब पे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे, हमारी ब्यूरोक्रेसी पे सवाल है और हमारी सियासी लीडरशिप के लिए सवाल है। सवाल ये है कि ये लोग जो हज़ारों की तादाद में ये गांव देहात हैं, ये कैसे रिसेटल होंगे, इनकी ज़रात जो कि इनकी एम्प्लॉयमेंट थी, इनकी लाइवलीहुड थी, पिछले अगले एक साल के लिए बेकार हो गई है, अब ये दोबारा रिवाइव कैसे होंगे और कौन करेगा इसको रिवाइव, सवाल ये पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या छोटी छोटी इमदादी रकम से ये स्कूल, ये अस्पताल, ये घर, हजारों की तादाद में घर जो है, क्या ये दोबारा रिहेबिलिटेट हो सकेंगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो हम तमाम लोगों को बैठ के इस पर समझना चाहिए, सियासी लीडरों को सोचना चाहिए, इमदादी इदारों को सोचना चाहिए, सूबाई और कौमी हुकूमतों को सोचना चाहिए, ये आर्म फोर्सेस को सोचना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक इदारे की बस भी बात नहीं, ये तमाम इदारों को बैठना पड़ेगा, एक लाइव अमल बनाना पड़ेगा कि अगले 5 साल का इन पूरे इलाकों का, जहाँ पर भी जो भी सैलाब जदगान मौजूद हैं उन पूरे इलाकों का, कि उनकी रिहेबिलिटेशन का एक ऐसा प्लान जो कि 5 साल प्लान हो, एक लॉन्ग टर्म प्लान हो, जिसमें ना सिर्फ उनकी हेल्थ एजुकेशन, उनके बच्चों की उनकी देखी जाए, बल्कि उनकी लाइवलीहुड को इंश्योर किया जाए, उनकी एग्रीकल्चर को इंश्योर किया जाए, उनके घरों को इंश्योर किया जाए कि वो दोबारा अपनी जल्द अज जल्द आए। वरना आज हम देख रहे हैं यहाँ पे इनके जानवर मर रहे हैं, ये खुद भाई बीमार हैं, बच्चों को में डायरिया कि वबाई अमराज फैल रहे हैं, औरतें जो हैं हमल से मौजूद हैं, उनको कोई देखने वाला दाई तक मौजूद नहीं है यहाँ पे। तो इन तमाम लोगों की, इस तमाम अमराज का इलाज, इन तमाम मसाइल का इलाज जब ये है कि जब हम बैठ के एक लाए अमल बनाए और फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद शुरू करें। और ये लोग भूखे हैं इस वक्त, ये लोग इस वक्त अपनी जगह छोड़ चुके हैं, मुख्तलिफ जगहों में पड़े हैं, धूप के से और बारिश के नीचे बैठे हुए हैं, तो इन लोगों की फौरी इमदाद की जाए। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।